गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है। तो एजीके ट्रिपल वन चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई नई सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज का हमारा वीडियो है और टॉपिक है द टाइप्स ऑफ गेट पासिस। तो आप अगर सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर आप काम कर रहे हो, तो किसी भी कंपनी में रहो, किधर भी मॉल में रहो, होटल में रहो, किधर भी रहो, तो ये मटेरियल का आना जाना तो रहता ही है। तो मटेरियल कंपनी में इन्वॉल्व होता है, आउट होता है। तो उस जो भी मटेरियल इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए डीसी या तो टैक्स इनवॉइस होता है, लेकिन जब कोई मटेरियल बाहर जाता है तो उसके लिए गेट पास बनता है, चाहे वो कंपनी हो या तो किधर भी मॉल हो, कुछ भी हो। तो कौन से टाइप के और कितने टाइप्स की गेट पास बनते हैं कंपनी में, तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, गेट पास के टाइप के प्रकार दो ही होते हैं, फर्स्टली आउटवर्ड रिटनेबल और सेकेंडरी आउटवर्ड नॉन रिटनेबल। ये दो तरह के गेट पास होते हैं। तो अभी हम पहले देखते हैं कि आउटवर्ड रिटनेबल यानी कि क्या होता है उसमें। तो कंपनी का कोई मटेरियल अगर रिपेयरिंग के लिए जा रहा है और रिपेयरिंग होकर वापिस आने वाला है, जो भी गेट पास बनता है उसको क्या बोलते हैं, आउटवर्ड रिटनेबल। यानी कि जो कंपनी का मटेरियल, यानी कि मानो कंप्यूटर सिस्टम्स हो या तो कोई एसी हो जो खराब हो गया है लेकिन रिपेयरिंग के लिए बाहर जाएगा और रिपेयरिंग होके वापिस आएगा, तो ऐसा जो मटेरियल मूवमेंट होता है उसको आउटवर्ड रिटनेबल गेट पास बनाया जाता है। जो भी रिटेंडेड पे बाहर जाता है और वो तुरंत रिपेयर होके वापिस आता है, ऐसे चीजों के लिए जो गेट पास बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आउटवर्ड रिटनेबल गेट पास। और सेकेंडरी होता है आउटवर्ड नॉन रिटनेबल गेट पास। यानी कि आउटवर्ड नॉन रिटनेबल गेट पास कंपनी में किस लिए बनाया जाता है, जो चीज कंपनी से बाहर जाएगी लेकिन वापिस नहीं आएगी, उस चीज को बाहर लेके जाने के लिए जो गेट पास बनाया जाता है उसको बोलते हैं आउटवर्ड नॉन रिटनेबल गेट पास। ऐसी चीजें कौन सी है कंपनी में, जो भी आपका कंपनी में काम करते हैं, तो स्क्रैप मटेरियल जो कि यूजेबल नहीं होगा, अभी वो चीज यूज नहीं होने वाली, तो ऐसे जो भी स्क्रैप मटेरियल्स है वो कंपनी को जरूरत नहीं है, ऐसे चीजों का गेट पास बनाने के लिए आउटवर्ड नॉन रिटनेबल, यानी कि कंपनी में रिटर्न वापस नहीं आना चाहिए ऐसे मटेरियल को, जो भी गेट पास बनता है तो उसको आउटवर्ड रिटनेबल गेट पास बनते हैं। तो आपको दो तरह के गेट पास, अगर किसी भी इंटरव्यूअर आपको पूछे कि गेट पास कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको बताना है कि गेट पास टू टाइप्स के होते हैं मटेरियल मूवमेंट में, फर्स्टली आउटवर्ड रिटनेबल और सेकेंडरी आउटवर्ड नॉन रिटनेबल। न कि आपको ये इनवर्ड रिटनेबल या तो इनवर्ड नॉन रिटनेबल, ऐसे चीजें नहीं बताना है। मेनली टाइप्स ऑफ गेट पासेस आपको दो ही होते हैं और दो ही चीजों का आपको पता होना चाहिए कि कौन से गेट पासेस होते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।